नमस्कार आप सभी लोगों, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका टीपॉइंट एकेडमी पे, मैं शिवम पांडे आज आपके लिए वो एक समस्या पे डिस्कस करने आया हूँ जिसका सामना हम में आप में से कई लोगों ने किया हो। ये वीडियो मैं नोएडा के सेक्टर 3 में शूट कर रहा हूँ स्टूडियो में। मुझे दिल्ली से नोएडा आने में जब मैं ब्लू मेट्रो लाइन के नीचे से नोएडा में एंटर करता हूँ तो दिल्ली नोएडा बॉर्डर पे एक बॉटलनेक चोक पॉइंट आता है। अगर आप में से कोई भी नोएडा से बिलोंग करते हैं या इस रूट पे आते हैं तो आइडिया लग ही गया होगा। और उस चोक पॉइंट पे हमें ई रिक्शा से कंपटीशन करना पड़ता है क्योंकि उन ई रिक्शा के आगे हमारी गाड़ियां जो टू व्हीलर्स हैं उनके भी निकलने की पॉसिबिलिटी नहीं होती, वो 5 to 7 मिनट लगता है। फिर वहीं से ये ई रिक्शा का कारनामा शुरू होता है। आप सेक्टर 15 के रेड लाइट पे आते हैं, फिर 15 से 16 के बीच में ऐसे 3 जगह आती है जहां पे स्टैंडिंग का कोई पॉइंट नहीं है लेकिन वहां पे आपको ई रिक्शा की भीड़ मिलेगी क्योंकि वहां एक रोड क्रॉसिंग है, वहां से सवारी आ रही है। चलते चलते वो ऑटो अपनी मोड़ देते हैं और वहां पे आपको खड़े मिलते हैं और आपको अपनी गाड़ी जो 40 से 50 की स्पीड लिमिट पे है उसको ब्रेक मार के जीरो पे लेके आना पड़ता है। मैक्सिमम चांसेस होते हैं एक्सीडेंट हो जाने के। इसके साथ साथ अगर आप इन वीडियोस को क्लिप्स को देखें तो ध्यान से आपको पता चलेगा कि ई रिक्शा के एक्सीडेंट प्रोन होने से रिलेटेड कितनी सारी न्यूज आपको देखने को मिलेंगे। कहीं ना कहीं आप ध्यान से देखें तो ई रिक्शा की कुछ क्वालिटीज की बात क्या करें, ये किसी भी गली में घुस जाते हैं, कहीं पे भी अपोजिट लेन में चलने लगते हैं, आपको इतना कस्टमाइज सर्विस देते हैं कि आपके घर तक उतारेंगे, जहां रास्ता नहीं वहां कहां गली से निकाल देंगे आपको पता नहीं है, 4 की जगह 5 सवारी बैठाएंगे, डीजे लगा लेंगे, कान में हेडफोन लगा लेंगे, फोन पे बात करते रहेंगे और उस ई रिक्शा को चलाएंगे और इस तरह से नचाते हैं जैसे किसी ने इनको बहुत अच्छी टू व्हीलर दे दी है और ये एक्शन सीक्वेंस कर रहे हैं। कभी कभी तो इस तरह से कट मारते हैं कि बिल्ली भी रास्ता ना काटे। इन सारी समस्याओं से मेट्रो सिटीज से लेके ऐसी कोई भी सिटीज जहां पे ज्यादा पॉपुलेशन है या पॉपुलेटेड एरिया है वहां पे आपको ई रिक्शा बंच में खड़े हुए देखे हुए मिल जाएंगे कि आपको जाने की जगह नहीं और इनको कोई परवाह नहीं है। ये ना ही कहीं से ट्रेंड होते हैं, टोटली लापरवाह होते हैं। 3 दिन किसी से सीखा और 4th दिन वो बंदा ई रिक्शा चला के आप 5 लोगों को बैठा के लेके जाता है जिसकी लाइफ के कोई गारंटी नहीं होती है। सवाल है कि ये ई रिक्शा इंडिया में आया कहां से? 2010 तक चांदनी चौक से लेके दिल्ली के बाजारों में आपको पैरों से चलाए जाने वाले रिक्शे दिखते हैं जो इस तरह से हैं। आज भी ये रिक्शे चलते हैं लेकिन इनको चलाने में काफी मेहनत लगती है। 2012 में विजय कपूर एक IIT ग्रेजुएट इस समस्या को समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि इससे पहले जो ई रिक्शा लाए गए या जो रिक्शा लाए गए 3 व्हीलर मोटर व्हीकल्स वो इतने महंगे थे चाइना से कि उसको अफोर्ड कर पाना आम रिक्शे वाले की बस की बात नहीं थी। वो उन रिक्शे वालों से बात करते उनकी प्रॉब्लम को समझते हैं और भारत और 2012 में ही एक CPL नाम की कंपनी खोलते हैं और सबसे पहला भारत का ई रिक्शा मयूरी लॉन्च करते हैं। अगर आप मयूरी ई रिक्शा को ध्यान से देखें तो ये लगभग में उसी ई रिक्शे की तरह दिखता है जो आज आपको रोडों पे दौड़ते हुए दिख जाती हैं। अब ये जो ई रिक्शा बनाया था इन्होंने, इसकी जो मजबूती थी प्लस जो इसकी चौड़ाई है वो भारतीय लोगों और भारतीय सड़कों के हिसाब से बनाया गया था कि भारतीय सड़कों पे ये सक्सेसफुल रहेंगी, ज्यादा सवारी बैठा सकेंगे और सस्ते प्राइस में बनाया गया था ताकि एक रिक्शा पुलर इसको अफोर्ड कर सके। लेकिन जो सपना देख के बनाया गया था वैसा कुछ हुआ नहीं, कहानी अलग है। यहाँ पे माफिया गेम चलता है, कैसे चलिए समझते हैं। 2012 के बाद से 2019 तक इनकी डिमांड धीरे धीरे बढ़ती रही लेकिन 2019 के बाद से इनकी डिमांड में इतनी तेजी से उछाल आया है कि आज इंडिया में 300 प्लस ई रिक्शा कंपनी मेकर प्लस सप्लायर और असेंबलर अवेलेबल हैं। और इन सब का काम क्या है? चाइना से सामान को मंगाना, अपनी कंपनीज में असेंबल करना और अपने ई रिक्शा को सस्ते से सस्ते पे बेचना। इनोवेशन पे फोकस नहीं है, कितना ज्यादा ई रिक्शा ये बेच सकते हैं। अब इसी में सरकार की भी ने भी इनकी मदद की। सरकार ने दिल्ली की मेट्रो जैसी मेट्रो सिटीज या भारत की जितनी मेट्रो सिटीज है वहां पॉपुलेशन को और पॉल्यूशन को बढ़ते देख के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करना अपनी जिम्मेदारी समझी और सरकार ने कुछ ऐसे नियम लाए जिन्होंने ई रिक्शा को बहुत बढ़ावा दिया क्योंकि कहीं ना कहीं बैटरी पे चलते हैं तो एक क्लीन एनर्जी के बारे में बात करते हैं। अप्रैल 2019 में सरकार ने फेम फेज 2 लॉन्च किया
अब किसी को ये डाउट होगा कि फेम क्या होता है, तो मैं बताऊं इसका फुल फॉर्म होता है फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। तो फेम के फेज टू को प्रमोट किया जिसमें 3 साल तक लगातार इसको अलाउ रखा गया। इसमें 2 व्हीलर्स के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे 40% और 3 व्हीलर्स पे भी अच्छी खासी छूट दी गई। और अगर आप ध्यान से देखें तो वैसे तो सीएनजी भी चलता है, लेकिन सीएनजी की कॉस्ट जो है वो ज्यादा होती है। सीएनजी व्हीकल्स 2 से 3 लाख 4 लाख तक के आते हैं, प्लस सीएनजी व्हीकल्स के एक नंबर ऑफ लिमिट होते हैं कि इतने ही परमिट में अलाउ होते हैं, प्लस उनको चलाने वालों को बैज होल्ड करना पड़ता है। केवल वो बैज होल्डर ही खरीद सकता है और उस रिक्शा को चला सकता है, उसकी एक हमेशा लिमिट होती है। ई रिक्शा पे कोई लिमिट नहीं रखी गई। सरकार का उद्देश्य ये था कि ई रिक्शा पे छूट देने पे ये 60 से 70 हजार हो गए, जो अभी प्रेजेंट टाइम में 1 से 1.5 लाख के मिलते हैं, लेकिन उस टाइम इनकी कीमत 70 से 80 हजार के बीच में वैरी करने लगी जब सरकार ने इस पे छूट दी। सरकार को ये लगा कि ये जो गरीब रिक्शा ई पुलर है, ये कहीं से भी लोन वगैरह लेके अपना एक इंडिविजुअल ई रिक्शा खरीद लेगा, और दूसरी बात इस पे कोई पेपर वर्क बहुत ज्यादा किया नहीं गया और इस पे लाइसेंस का कंपलसरी नहीं रखा गया, मतलब कोई भी आम इंसान इन ई रिक्शा को चला सकता। इससे लाइसेंस ना होने की वजह से हुआ क्या, बहुत ही यंग बच्चे जो नशे करते हैं, जो टोटली अनट्रेंड है, वो भी इन ई रिक्शा को चलाने लगे 2 से 3 दिन की ट्रेनिंग के बाद। इससे एक्सीडेंट्स की पॉसिबिलिटीज बढ़ गए, प्लस क्योंकि पेपर वर्क ज्यादा थी नहीं और कोई लिमिट नहीं थी, तो गरीब इंसान तो खरीद नहीं पाया, लेकिन जो पैसे वाले थे उन्होंने 10-10, 20-20, 30-30, 40 ऐसे ऐसे माफियाज पड़े हैं जो 50 से 100 ई रिक्शा को होल्ड करते हैं। इनके घर पे पार्किंग की जगह नहीं है, पार्किंग ये सरकारी जमीनों या किसी भी खाली जमीनों पे आसानी से पार्क करके पूरे हक के साथ पार्क करते हैं। इसके अलावा ध्यान से देखा जाए डेटा में तो नोएडा में 2011 में केवल 10 ई रिक्शा थे और 2024 में 17,162 ई रिक्शा हैं। और ध्यान से देखा जाए तो किसी भी पब्लिक प्लेस पे कोई भी ई रिक्शा स्टैंड नहीं है, मतलब जहां पे पब्लिक है ये ई रिक्शा वाले वहां पे 40 से 50 गैदर होके ई रिक्शा पार्क कर देते हैं। एक्चुअली पार्क नहीं करते, खड़ी कर देते हैं और जैसे वक्त वैसे खड़ी कर देते हैं। इतनी ज्यादा बदतमीजी के इनके वीडियोस वायरल होते हैं जिसको देख के आप हैरान हो, कोई बड़ी बात नहीं है, और आम जनता की लाइफ को ये रिस्क पे डालते रहते हैं। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो किसी भी सिटी में इनके लिए कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं बनाया गया। इनकी पार्किंग के बाद इनके चार्जिंग सिस्टम को अगर आप देखेंगे, जिस तरह से इनका चार्जिंग मैकेनिज्म है वो इतना खतरा है कि कहीं भी शॉर्ट सर्किट को निपटा देता है। दिल्ली एनसीआर में हालत बहुत बुरी है, मैं डेली ये चीजें फेस करता हूँ। इसके अलावा अगर आप बात करें तो चाहे वो जयपुर हो, लखनऊ हो, या आप जिस सिटी से बिलोंग करते हो, जहां पे भी ई रिक्शा चलता है वहां देख के आपको आइडिया लग ही गया होगा कि हालात ये है कि सवारी से ज्यादा ई रिक्शाज है, सवारी से ज्यादा ई रिक्शाज है। नोएडा सेक्टर 15-16 के मेट्रो के नीचे हर सुबह जिस तरह से सवारी को बैठाने के लिए उसको खींचते हैं, एक दूसरे से लड़ते हैं, गाली गलौज करते हैं, एक दूसरे के ई रिक्शा में ठोकर मार देते हैं, पता ही नहीं चलता कि कौन सा ई रिक्शा कब पलट जाए। इतना डेंजर होता है सुबह का माहौल, आप कभी देखिएगा तो आपको आइडिया लग जाएगा। इतने ज्यादा एक्सीडेंट प्रोन है कि 4 लोगों की परमिट है, 5 बैठाते हैं, 6 बताते हैं। क्वालिटी इतनी खराब है, पता नहीं चाइना की किस कंपनीज में इनका पार्ट बनता है और कहां पे इंडिया के किस कोने में असेंबल होता है और ये बिकने के लिए चला आता है, तो इनकी बिल्ड क्वालिटी पे आप बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते हैं। सरकार और पुलिस इस पे एक्शन क्यों नहीं लेते? ये जो माफियाज हैं, इनका एक अच्छा कमीशन पुलिस को मंथली जाता है, इसलिए पुलिस भी इस पे कोई खास एक्शन नहीं लेती। सरकार ने वैसे तो ये प्रोजेक्ट चलाया था भलाई के लिए, लेकिन जब करप्शन इस लेवल पे पहुंच गया कि सरकार को आइडिया तक नहीं लगा, तो गवर्नमेंट ने क्या इनको बैन करने के लिए कुछ कदम उठाए हैं? जी हाँ, जब इन्हीं समस्याओं से अधिकारियों और सरकारी नेताओं को गुजरना पड़ा किसी दिन ट्रैफिक, तो उनके कान के पर्दे खुले और उनको लगा कि ये एक समस्या है, तो लखनऊ में टोटल 11 रूट पे प्राइमरी रूट पे इनको बैन कर दिया गया। नोएडा में 1097 ई रिक्शा को जब्त कर लिया गया, उनको बैन कर दिया गया। जयपुर में भी 9 रूट पे ये ऑलरेडी बंद किया जा चुका है और दिल्ली में तो इसको क्रश किया जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि ये समस्या बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, ये भारतीय रोड के वायरस है जो इतनी तेजी से बढ़ते हैं कि किसी को भी नहीं पता कि इसका क्या सलूशन। पुलिस से एक्शन ना लेना नोएडा में तो मुझे साफ दिखता है, नॉट अ सिंगल प्लेस पुलिस इज स्टैंडिंग टू कंट्रोल द ई रिक्शाज, बल्कि वो सुबह का मॉर्निंग का टाइम इतना पीक टाइम होता है कि हजारों लोग आते हैं। अब देखिए ई रिक्शा की खास क्वालिटीज क्या है। देखिए ई रिक्शा पहले बात तो इतनी बुरी स्थिति में पहुंचना ही नहीं चाहिए था, क्यों? क्योंकि ये एक अच्छा डिसीजन था ई रिक्शा बनाना। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ई रिक्शा बनाना एक बुरा डिसीजन नहीं था। इसको करप्शन जब इतना लेवल तक पहुंच गया कि ये अब
बीमारी बन गई। ई रिक्शा छोटा, कॉम्पैक्ट, मजबूत, सस्ते भाड़े वाला क्लीन ऑप्शन था, लेकिन इसमें क्वालिटी और क्वांटिटी कंट्रोल और प्रॉपर ट्रेनिंग और लाइसेंसिंग जरूरी थी। जिस अप्रोच के साथ किया गया, आपने देखा कि नशे करते हैं, केवल एक दिन का अपना नशा कंप्लीट करने के लिए इन्होंने ई रिक्शा भाड़ा पी लिया, चलाया और फिर शाम तक अपने नशे का पैसा जुटा लिया। तो वो एक्सीडेंट करना नहीं चाहते, लेकिन नशे में उनसे एक्सीडेंट हो जाते हैं, ये आपको आसानी से देखने को मिल जाएंगे। तो सरकार की यहाँ गलती है। अब आप एक्शन लीजिए, जितना एक्शन लेना है लीजिए, लेकिन अभी इसकी क्वालिटी कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर क्वालिटी कंट्रोल टाइम पे नहीं हुई तो ये भविष्य में और बड़ी समस्या बनने वाली है। आप जो व्यूअर्स इस वीडियोस को देख रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं ई रिक्शा के कंज्यूमर्स, आप कस्टमर हैं, आप कहीं ना कहीं ई रिक्शा से जाते हैं, आप भी ये प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो आपकी अपनी क्या राय है, क्या लगता है कि सरकार से कहां चूक हुई या किस तरह की समस्याएं हैं, या वीडियो में जो बातें सजेस्ट की गई हैं वो सही हैं या कहीं पे मैं गलत हूं, तो उसके बारे में भी जरूर मेंशन करें। बाकी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें चैनल को, आपका सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है और आपका उसमें कुछ नहीं लगता। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन, हैव अ गुड।